प्यारे व्रतियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर का, जो आपका पेपर दोस्तों दिसंबर के अंदर होने वाला है। उसके लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपके सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उदयपुर में आहड़ की छत्रिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? ऑप्शन से कछवाहा, चौहान, राठौड़ या फिर सिसोदिया। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो आहड़ की छत्रिया है दोस्तों उदयपुर के अंदर, वो कौन से राज परिवार से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आहड़ की जो छत्रिया है वो दोस्तों आपके सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी या फिर रामदेव जी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन से लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें, रामदेव जी के मेले को दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इनके मेले में देखिए आपके हिंदू भी जाते हैं और इसके अलावा मुसलमान भी जाते हैं, इसी कारण ये मेला दोस्तों आपके सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया संत मावजी का संबंध है बीकानेर से, अलवर से, डूंगरपुर से या फिर जोधपुर से। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संत मावजी ने आपके डूंगरपुर के अंदर दोस्तों बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, साबला गांव के अंदर, जो कि कहां पर है, आपके डूंगरपुर के अंदर है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, धनसार या फिर कासिम। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा चित्रकार आपके चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए, मेवाड़ शैली से संबंधित जो चित्रकार था वो आपके धनसार था, ठीक है ना। धनसार के अलावा देखिए आपका मनोहर भी इसी से संबंधित था, और इसके अलावा दोस्तों आपका साहिबदीन भी इसी से संबंधित था। इसके अलावा आपका कमलचंद हो गया, इसके अलावा आपका जो है कमलचंद हो गया ना, जो है चतुर्भुज, ये सारे जो है ये आपके आपके मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? हाल ही में दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने बात की थी बेणेश्वर धाम के बारे में। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर नागौर? सभी को इसका आंसर बताना। देखिए, ये जो बेणेश्वर मेला ना वो आपके माघ महीने के अंदर बढ़ता है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कहां पर लगता है। तो आपके डूंगरपुर जिले के अंदर लगता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? चंद्रहार, खुंगाड़ी, नौगरी या फिर आड़। करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। और पशु परिचर के लिए देखिए, डेली क्लासेस आपकी लग रही है, एग्जाम से पहले दोस्तों बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, चंद्रहार, खुंगाड़ी और आड़, ये तीनों आभूषण गले में पहने जाते हैं, लेकिन जो नौकरी है वो आपके पहना जाता है दोस्तों कलाई के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोषों में विभक्त है? चार, पांच, छह या फिर सात। तो करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है संगीत राज की जो रचना है किसने की थी, तो ये महाराणा कुंभा ने की थी, और इस संगीत राज को आपके पांच भागों में बांटा गया। वो पांच भाग कौन कौन से, देखिए, पाठ्य रत्न कोष, गीत रत्नकोश, ठीक ना, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और एक है आपका रस रत्नकोश। ये पांच भागों में आपके संगीत राज को दोस्तों बांटा गया है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के द्वारा दोस्तों यूज नहीं की जाती है? तो विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की या फिर विधानसभा के सत्रावसान की। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में बात करूं, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। तो ये विधानसभा को आहूत यानी बुलाता भी है, विघटित भी करता है और सत्रावसान भी करता है, लेकिन स्थगित करने का इससे जो है अधिकार आपके नहीं है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थगित करने का जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1999, 1973 या फिर 1980। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। राजस्थान के संदर्भ में बात रही है लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना आपके 1973 में हुई थी, और आईडी दुआ आपके राजस्थान के जो है प्रथम जो है लोकायुक्त थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इसके राइट आंसर की बात करें, राजस्थान ललित कला अकादमी आपके दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। 1957 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। 1957 में आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो कि जोधपुर के अंदर है, इसकी भी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर चूरू। ये दोस्तों बढ़िया प्रश्न है, 100 से कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिलों का नहीं है। देखिए अगर आपसे पूछे 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिलों का, देखिए आपके एक जयपुर का नाम आता है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 595, और जयपुर के अलावा देखिए आपके भरतपुर का नाम आता है जिसका जनसंख्या घनत्व आपके 500 से ज्यादा, लगभग 503 के आसपास भरतपुर का है। अब आपसे पूछा गया 100 से कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिलों का है, तो आपके जैसलमेर का है 17, बीकानेर का है 78 और बाड़मेर का है 92। तो यहां पर पूछा किस जिले का नहीं है, तो इनमें से चूरू जिले का नहीं है, क्योंकि चूरू का जो जनसंख्या घनत्व है, याद रखो तो ठीक वरना आपको ध्यान में रखना है, 147 है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तीनों का जनसंख्या घनत्व बाकी 100 से कम है। यहाँ पे 100 से कम किसका नहीं है ये पूछा गया है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए आरटीडीसी के होटल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मुंबल होटल, जैसलमेर, डोलामारू जोधपुर, कजरी उदयपुर या फिर खादिम अजमेर, सभी को इसका आंसर बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मुंबल बिल्कुल जैसलमेर के अंदर है, कजरी भी उदयपुर के अंदर है, खादिम भी अजमेर के अंदर, लेकिन जो ढोलामारू है वो आपके जोधपुर में नहीं है, बल्कि कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग से कि ढोलामारू होटल दोस्तों कहां पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है, सिरोही, उदयपुर, अजमेर या फिर टोंक। राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है ये आपको बताना है, और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन आपके अजमेर जिला करता है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, अबीकानगर, मालपुरा, मंडोर या फिर पोकरण। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है यही आपसे पूछा गया है। तो ये आपके दोस्तों अबीकानगर टोंक के अंदर स्थित है, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1993, 2000, 1985 या फिर 1959। करेक्ट आंसर आपको बताना है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की जो स्थापना है कब हुई थी यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना आपकी 2000 बीछवाल बीकानेर के अंदर हुई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है, तो रामगढ़ विस्तारी बूंदी, जवाहर सागर जयपुर, ताल छापर चूरू या फिर वन विहार धौलपुर, कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है। तो इनमें से देखिए जवाहर सागर आपका सुमेलित नहीं, क्योंकि जवाहर सागर जो अभयारण्य है वो आपके कहां पर स्थित है, कोटा के अंदर स्थित है, ना कि जयपुर के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, अरावली श्रृंखला में कौन सी पौध प्रजाति नहीं पाई जाती है, देवदार, धोक, सालर या फिर कढ़ाया। करेक्ट आंसर आपको बताना है, और चैनल पर देखिए डेली क्लासेस लगने वाली है पशु परिचर के, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। पौध प्रजाति इनमें से कौन सी है जो अरावली श्रृंखला में नहीं पाई जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी देवदार, क्योंकि देवदार ज्यादातर हिमालय पर्वतों में मिलता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, 1962, 1925, 1952 या फिर 1972। करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका, राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया यही आपसे पूछा गया है। तो ये आपके दोस्तों 1952 में पारित किया गया है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में आपको ध्यान रखना है, देवीलाल सामर के द्वारा दोस्तों आपके किसकी स्थापना हुई थी 1952 में, उदयपुर के अंदर, ये आपको कमेंट करके बताना है। 1952 के अंदर ही देवीलाल समर, हिंट में दे देता हूं, उदयपुर के अंदर किसकी स्थापना हुई थी ये आपको ध्यान में रखना है, भारतीय लोक कला मंडल की। बिल्कुल सही बताया आपने, भारतीय लोक कला मंडल की 1952 में स्थापना हुई थी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने के पानी का उपलब्ध करा रही है, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है कौन से शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। देखिए कंवर सेन लिफ्ट नहर आपके बीकानेर जिले को दोस्तों पानी उपलब्ध करवा रही है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है, यहां पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, उमेद सागर जोधपुर, नक्की झील सिरोही, तलवाड़ा गंगानगर या फिर गड्डीसर जैसलमेर। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपके चार सवाल सही होते हैं,
तो करेक्ट आंसर इसका बताना है आप सभी को। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, चार प्रश्न आपके सही होते हैं, चारों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। उमेद सागर बिल्कुल जोधपुर के अंदर है, नक्की बिल्कुल आपके सिरोही के अंदर है, गड्डी सर आपके जैसलमेर के अंदर है, लेकिन जो तलवाड़ा झील है वो आपके देखिए गंगानगर के अंदर नहीं है बल्कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। एक तलवाड़ा स्थान आपके देखिए बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, जहां पर आपकी त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर स्थित है, लेकिन ये तलवाड़ा झील है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, न कि गंगानगर में। तो तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पशु परिचय 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, ऐसी क्लासेस चैनल पर डेली आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।